उत्साह का महापर्व है छठ। छठ पूजा का पर्व सूर्य देव की आराधना के लिए मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाली ये पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होती है, जिसे हिंदू धर्म में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के सबसे कठिन व्रतों में भी गिना जाता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है, फिर खरना विधि और फिर सूर्य के अर्घ से होती है इस व्रत की समाप्ति। इस साल छठ का ये पर्व 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 2 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में लगभग सभी इस व्रत को करते हैं, लेकिन वहीं कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो छठ के इस व्रत को नहीं रख पाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस बार छठ का व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप छठी मैया का आशीर्वाद बिना व्रत रखे पा सकेंगी और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आइए आपको बताते हैं, अगर आप छठ का व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो आप क्या कर सकती हैं? छठ का व्रत न कर पाने वाले आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए 4 दिन सूर्य की पूजा जरूर करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल के साथ गुड़ मिलाकर अर्घ दें। सूर्य को धूप दीपक भी दिखाएं। सूर्यदेव को फल, मिठाई, नारियल और लाल सिंदूर चढ़ाना न भूलें। छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ जरूर बनाएं और इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दिनों में दोनों ही अर्घ जरूर दें और सूर्य देव की कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। तो अगर आप भी इस बार छठ का व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकती हैं। वैसे अगर आप हर साल छठ का व्रत करते हैं, लेकिन किसी कारण से ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे से भी अपना प्रसाद चढ़वा सकते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस में भी यदि कोई व्रतीत है, तो आप उसे अपना प्रसाद दे सकते हैं। आपके बदले छठी माई को वो व्यक्ति भी प्रसाद चढ़ा सकता है।